नेक्स्ट हम करेंगे हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होगा, जैसे मैं NaCl की ही बात करूं, अगर NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं हम, ये भी तो एक सॉलिड ही है, तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं। बट ये वाला इसके साथ भी इंट्रैक्ट करेगा, तो अगर ये वाला इसके साथ इंट्रैक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो उसमें रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं। अब अगर उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं, तो वो बना कैसे है, वो रह कैसे रहा है एक दूसरे के साथ कंबाइन। तो हम जब भी बात करते हैं, अगर मैं इसकी ही बात करूँ, ये इस टाइम पे क्या है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस के, तभी तो हमारा ये सॉलिड बन पा रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे ना होता, अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो ये ऐसे कंप्रेस होता रहेगा। तो हम इक्विलिब्रियम में बात करते हैं, जहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस के इक्वल हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस कब होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस कब होंगी। अब हमें एक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्मूला पता है, ये होता है F इज इक्वल टू माइनस करली यू बाई करली आर। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और F क्या है, हमारी फोर्स है। अब यहाँ पे जब भी हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो वहाँ पे जो U की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, जब भी हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि जब भी वो कंबाइन करने में हमारी एनर्जी खर्च हो जाएगी, जैसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी, जब भी हमारे पास एनर्जी नेगेटिव होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ इसने बाइंड करके रखा हुआ है, तभी उसकी एनर्जी नेगेटिव है। तो जब भी नेगेटिव एनर्जी होगी मीन्स उसकी एनर्जी कम हो रही है, बाइंड करने में खर्ची जा रही है उसकी एनर्जी एटम्स को, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, अब जब रिपल्सिव होगी तो क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए, ये क्या होगी, रिपल्सिव फोर्सेस के लिए, ठीक है। जब भी पॉजिटिव एनर्जी मींस रिपल्सिव फोर्सेस है उनके बीच में। अब अगर हम एक ग्राफ बनाएं आर और पोटेंशियल एनर्जी का, तो ग्राफ वो ऐसा बनता है कुछ सॉलिड के केस में, तो ये ऐसा बनता है। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कौन सा पार्ट होगा, रिपल्सिव पार्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कौन सा पार्ट होगा, रिपल्सिव पार्ट होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ देख रही हूँ, इस वाले पार्ट को देखूँ अगर मैं, तो ये क्या है, नेगेटिव यू में है। अगर ये नेगेटिव यू में है तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा अट्रैक्टिव पार्ट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, हमारा अट्रैक्टिव पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो किसके इक्वल हो जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस के। अब अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, जीरो हो रही है, मींस करली यू बाय करली आर क्या है, जीरो बन रहा है। अगर करली यू बाय करली आर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, F जीरो है। अभी यहाँ पे जितनी भी टोटल फोर्सेस हैं वो क्या है, उसका सम जीरो है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई भी फोर्स अगर हम लगाएंगे, नेट फोर्सेस, वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तभी हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है, जो टोटल फोर्सेस होंगी वो जीरो के इक्वल हो जाएंगी। तो इक्विलिब्रियम पे करली यू बाय करली आर की वैल्यू जीरो होती है। अब अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन होगी, अब आपने अगर फाइंड करनी हो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हम कैसे निकालें, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है क्या, यहाँ से यहाँ तक आर ई, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे,
यू का डेरिवेटिव कर देंगे आर के साथ और इक्वल टू जीरो रख देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू जीरो है। अब एक और पॉइंट, जब भी हमारे पास टू टाइप्स के, एक होते हैं हमारे पास स्टेबल पॉइंट होते हैं, एक होते हैं मैक्सिमा, एक होता है मिनिमा। जब भी मैक्सिमा होता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और मिनिमा के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब भी मैक्सिमा होगा, ठीक है, ये क्या है, सॉरी, जब भी मिनिमा होगा, ये क्या है, मिनिमम पॉइंट है इसका। मिनिमम पॉइंट पे अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे यू का, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो इस वाले पॉइंट को हम मिनिमा बोलेंगे। अगर आपको कुछ चेक करना है उसको कि कोई भी पॉइंट मैक्सिमा है कि मिनिमा हो, तो कैसे चेक करोगे, उसका डेरिवेटिव कर दोगे टू टाइम्स। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो वो, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमा का पॉइंट होगा, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होगा, अगर मैक्सिमम है तो वो लेस देन जीरो होगा। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इस पे ये क्वेश्चन करते हैं पहले, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, अब हमें द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन टू एटम इज गिवन बाय, हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कितनी है, वी ऑफ आर माइनस ए बाय आर एस टू पावर 6 प्लस बी बाय आर एस टू पावर 12। अब देखो द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम। अब पूछा है कि पोटेंशियल फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम। अब एट द इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है ये तो आर डिस्टेंस है बिटवीन द टू एटम। अब पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पता होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर ई कर देंगे, यहाँ पे आर ई जो इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस होगा, फिर वो हमें पोटेंशियल एनर्जी दे देगा इक्विलिब्रियम पे। तो उसके लिए हमें पहले इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है इक्विलिब्रियम पे करली यू बाय करली आर क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव किया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a बाय आर 7 माइनस ये हो जाएगा 12b बाय 13 और इसको इक्वल टू ज़ीरो रख देना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम से यहाँ पे आर रेस टू पावर 5 बनेगा, सॉरी 6 आएगा माइनस 12b इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से एलसीएम लेके ये वाली चीज़ तो ज़ीरो नहीं होगी, तो न्यूमिरेटर भी ज़ीरो होगा, तो यहाँ से ये बन गया। अब यहाँ से हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 12b बाय 6a यहाँ पे पावर 1/6, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगी, ये कट के 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2b बाय a पावर कितनी है, 1/6, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। कहाँ से पता कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, क्योंकि हमने डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव कहाँ पे ज़ीरो होता है, इक्विलिब्रियम पे। अब आर की, आर ई की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हमें एनर्जी में पुट कर देनी है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी एट द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यू ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस ए बाय आर की वैल्यू पुट की 2b बाय ए 6 इंटू 1/6 हो जाएगा प्लस बी बाय आर 2b बाय ए 12 इंटू 1/6 ये कट के 1 आ गया, ये कट के 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये ऊपर न्यूमिरेटर में गया ए स्क्वायर बाय 2b प्लस बी, ये 2 है तो ए स्क्वायर बाय यहाँ से क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर होना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर बाय 2b प्लस ये 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4b। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लिया 4b आ जाएगा, यहाँ पे 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय 4
बी बन जाएगा, तो हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। तो आपने याद क्या रखना है कि इक्विलिब्रियम भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगी। स्लोप क्या है, कर्ली यू बाई कर्ली आर हमारा ज़ीरो होता है। तो यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पता चल जाएगा, फिर आर ई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको इक्विलिब्रियम एनर्जी पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं कि अभी हमने किया है कि जो एनर्जी है, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं वो अट्रैक्टिव भी होगी, वो रिपल्सिव भी होगी। अगर मैं एक सिस्टम की बात कर रही हूं, एक क्रिस्टल की बात कर रही हूं, तो वो अट्रैक्टिव भी होगी प्लस रिपल्सिव एनर्जी भी होगी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं एक ही क्रिस्टल में, एक ही सॉलिड में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। तो उसके करॉस्पॉन्डिंग हमें हमारे पास अट्रैक्टिव एनर्जी भी होगी और रिपल्सिव एनर्जी भी होगी। अब देखो, अब अगर अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव क्या मतलब क्या है कि नेगेटिव होगी। यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, वो आर पे डिपेंड करेगा, तो आर रेस टू पावर। अब मुझे पावर नहीं पता तो मैं यहाँ पे एम मान लेती हूँ, एम क्या है, कांस्टेंट है। प्लस अब रिपल्सिव की बात करेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, तो इसको हम बी कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ पे भी ये डिपेंड तो आर पे ही करेगा, बट उसकी पावर नहीं पता तो हम यहाँ पे एन मान लेते हैं। तो ये हमारी अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर आप इसको देखोगे, जो ये हमारी एनर्जी है, ठीक है, ये होती है सॉलिड में एक कोहेसिव एनर्जी होती है, कोहेसिव एनर्जी, इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। ये एनर्जी होती क्या है, जब भी हम दो एटम, एक एटम ये है एक एटम ये है, जब भी हम इनको पास लाने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से बाइंड होने के लिए एनर्जी रिलीज करते रहेंगे। अगर वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम बोलेंगे कोहेसिव एनर्जी। जब भी दो एटम क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एनर्जी रिलीज होती जाएगी, फिर ये बाइंड हो जाएंगे एक साथ, तो इसको हम बोलेंगे कोहेसिव एनर्जी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि दो एटम को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम बोलते हैं कोहेसिव या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, उतना ही स्टेबल हमारे पास क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है ये वाली एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी तो है जिसमें हमारे पास रिपल्सिव एनर्जी भी आएगी और अट्रैक्टिव एनर्जी भी आएगी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, ठीक है, अब हमें पहला पॉइंट क्या फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा। इक्विलिब्रियम में इसकी स्लोप क्या होती है, ज़ीरो होती है। अगर स्लोप ज़ीरो है तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ए बाई, क्योंकि अब मुझे फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कौन सा होगा और उसके करॉस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम एनर्जी क्या होगी, जो हमने सेम अभी क्वेश्चन भी किया है। अगर मैं इसका लूँ तो ये डेरिवेटिव करूँ तो ये m बाय r रेस टू पावर m प्लस वन माइनस बी एन बाय r रेस टू पावर n प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो के को रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू के लिए r n प्लस वन माइनस बी एन आर एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एम आर एन प्लस वन इज इक्वल टू बी एन आर एम प्लस वन, तो आर एन प्लस वन बाय आर एम प्लस वन, इसको लेफ्ट साइड पे ले आई हूँ तो ये क्या बन जाएगा, इसको राइट साइड पे ले गई ए एम। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, आर एन प्लस वन माइनस एम माइनस वन इज इक्वल टू बी एन बाय ए एम, वन से वन कैंसिल, तो आर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी एन बाय ए एम। हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस।
ठीक है, ऐसे हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम में फाइंड करना चाहती हूँ RE, तो RE की जब वैल्यू पुट कर दोगे तो वो इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की, क्या होगी। अब हमें फाइंड करनी है कोहेसिव एनर्जी, ठीक है। कोहेसिव एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्रिस्टल लेते हैं, जैसे NaCl क्रिस्टल की ही अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं NaCl क्रिस्टल की वन डायमेंशन में बात करूँ, सिर्फ एक लेयर है ये, अगर Na पॉजिटिव है, ये Cl हो गया, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl, फिर Na पॉजिटिव, फिर Cl, फिर Na पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसे ही सिमिलर चलता जाएगा ये। मैं सिर्फ 1D की बात कर रही हूँ, 1D NaCl की, 1D NaCl की बात कर रही हूँ। अब देखो, जब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इंट्रैक्शन ही है दो एटम्स के बीच में। अब अगर मैं इस वाले से एटम से देखूँ, इस वाले एटम से, ठीक है, इस वाले एटम से इन दोनों का अगर मैं डिस्टेंस मान लूँ R, सेम ही क्लोरीन पड़ा है, इसका भी डिस्टेंस R है। ऐसे अगर मैं सेकेंड पे जाऊँ तो इसका डिस्टेंस डबल हो जाएगा 2R, ऐसे ही एक यहाँ पे भी पड़ा है उसका डिस्टेंस भी 2R। अगर मैं थर्ड पे जाती हूँ तो ये डिस्टेंस 3R हो जाएगा, ऐसे ही थर्ड यहाँ पे 3R हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं फोर्थ पे गई तो 4R, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पे जाऊँगी तो 4R। अब पोटेंशियल एनर्जी है तो इंट्रैक्शन एनर्जी ही है। अगर मैं Na का इसके साथ देखूँ,